ये मेरा कमरा है। अच्छा, काफी बड़ा है। इस घर के सारे कमरे ऐसे ही हैं। वैसे बड़े कमरों में मुझे घुटन महसूस होती है, लेकिन चलो गुजारा करना पड़ेगा। अच्छी पेंटिंग है। मैंने बनाई है। अच्छा, तुम पेंटिंग भी करती हो? पहली मुलाकात में बताया तो था। हाँ, क्या बनाने की कोशिश की है? एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, वैसे पेंटिंग कम और कुछ फैले हुए रंग ज्यादा लगता है। आप ग्रामोफोन सुनेंगे? नहीं, मौसीकी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको गजलें पसंद है। हाँ, बॉर्डर पे कभी कभार जब वक्त मिल जाता था तो रेडियो पे गजलें सुन लेते थे। मैंने अब्बा से कहा है कि हमें एक ग्रामोफोन ले दें, हम अपने घर पे सुना करेंगे। नहीं, ऐसे मत करना। क्यों? देखो तो ऋषभ, मेरे और तुम्हारे घर का माहौल बहुत फर्क है। वहां पर ये सब कुछ नहीं चलेगा। देखो, इसकी वहां पर आवाज गूंजेगी और अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, मुनासिब नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब हम खारिया जाएंगे तो वहां पे सुना करेंगे। आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? हाँ, देखें। सलाम। आ गए? आओ आओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या लोगे बेटा, ऑमलेट फ्राइड एग या बॉइल्ड? जी फ्राई, ठीक है। लो शेवार, ये मंसूर को। शुक्रिया शेवार, अब तुम भी कुछ ले लो। जी अब्बा, अभी लेती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंसूर, तुमने इसके खाने पीने का ख्याल रखना। जी। इसको खुद तो ना खाने का शौक है, ना इसको नाश्ते का होश होता है। मानूर, बहन को चाय दो। नहीं मानूर, चाय से पहले से जूस दो, इसके बाद एक ग्लास दूध और उसके बाद चाय। अब्बा, अगर इतना कुछ पी लिया तो फिर खाऊंगी क्या? खा दो, तुम वैसे ही कुछ नहीं हो, पी तो लो कम अज कम। बेटा, ये रोल जरूर ट्राई करो, बड़े फ्रेश हैं, घर के बने हुए। बेटे, आज कहीं बाहर सैर वैर के लिए निकलो, बोर हो गए होगे ना अब तो घर में। जी हाँ शहबाज, मंसूर को तुम लाहौर की सैर करवाओ। बेटा, आपने शाही किला देखा हुआ? नहीं। आप ड्राइवर से कह देना वो ले जाएगा इनको। नहीं अम्मी, ड्राइवर की क्या जरूरत है, मंसूर खुद ड्राइव कर देंगे। नहीं, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती।